क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन एक्स की होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स की होल पावर एक्स करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, x आगे आ जाएगा, लॉग साइन एक्स। इसके बाद सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल, वन अपॉन यू मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाना है, सबसे पहले x करते हैं, वन मिलेगा तो सिर्फ बचेगा log साइन x प्लस x एज इट इज रहेगा, और log साइन x का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x कितना होता है, वन अपॉन x, तो log साइन x वन अपॉन साइन x, देन साइन x का अगेन डिफ्रेंशिएट होगा, वो हमें देगा cos x। तो इसका आंसर आएगा log साइन x प्लस x cot x, cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा cot x, देन du अपॉन dx, और यहाँ का u मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और u की वैल्यू है हमारे पास साइन x का होल x, साइन x की होल पावर x। तो हमारे पास du अपॉन dx कितना है, log साइन x प्लस x cot x मल्टीप्लाई साइन x की होल पावर x। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन अंडर इनवर्स अंडर रूट एक्स के लिए क्या लेंगे हम, वी करेंगे, वी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट एक्स का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसे हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, समथिंग, यानी कि अगर हम t कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस टी का स्क्वायर, तो t की हमने वैल्यू रख दी अंडर रूट एक्स, अब अंडर रूट एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा, वो हमें देगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि क्या होगा n x टू द पावर n माइनस वन, यानी वन अपॉन टू माइनस वन कितना रहता है, माइनस वन बाई टू, तो वो माइनस का ना लिख के नीचे अंडर रूट में भेज दिया अंडर रूट एक्स, तो हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स भी आ गया। और यहाँ पे dv अपॉन dx में एक बात, हमने log का यूज़ नहीं किया, सिंपल बिना log यूज़ किए भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो dv अपॉन dx आ गया हमारे पास, du अपॉन dx आ गया, दोनों को एडिशन में रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, लेट करेंगे u और v, यानी कि लेट कर देते हैं, u इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, x की पावर sin x है, देन हम लॉग लगाएंगे अप्लाइंग बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स होगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। अब हमें सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, और बगल में हम कर लेते हैं वी इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, लॉग एम की पावर एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी लॉग साइन एक्स। इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स को पहले करते हैं कॉस एक्स होगा और लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है वन अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लीकेशन में भेजेंगे तो है कितना, एक्स की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में है कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास। अब डी वी अपॉन डी एक्स वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगेन इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉस एक्स का करते पहले माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग साइन एक्स का होगा, और log sin x का कितना होगा, log t या फिर log x कितना होता है वन अपॉन x, तो log sin x पहले सबसे पहले वन अपॉन x आएगा, यानी कि वन अपॉन sin x, फिर sin x का दोबारा होगा कितना होगा cos x, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, तो dv अपॉन dx आ गया इज इक्वल्स टू लेंगे v, उधर जाएगा v हमारे पास sin x की होल पावर cos x, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस sin x log sin x प्लस cos
स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, डी यू अपॉन डी आर डी एक्स आ गया, और बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टेंथ, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें भी लेट करते हैं, लेट यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल्स टू लॉग एम की पावर एन, यानी एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, तो एक्स की पावर में जो भी है यानी एक्स कॉस एक्स फ्रंट में आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, सिर्फ लॉग एक्स बचेगा। इसके बाद हम v भी कंसिडर कर लेते हैं, v कितना है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को m, एक्स स्क्वायर माइनस वन को n कंसिडर करेंगे तो होगा क्या, बाय प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग n, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, लॉग एम माइनस लॉग एम। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब प्रोडक्ट रूल हमारा ध्यान देना, अब प्रोडक्ट रूल हमारा दो केसेस में लगता है, यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है यू वी, बट यहाँ पे क्या हो गया, तीन फंक्शंस हो गए, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको एक यू कंसिडर कर लेते हैं और इसे क्या कंसिडर करें, लॉग एक्स को वी कंसिडर कर लें। तो पहले इन दो में लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम किसको कर लेते हैं, एक्स कॉस एक्स जो हमने एक कंसिडर किया है उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, और लॉग एक्स क्या रहता है, एज इट इज रहेगा, प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट कर देते हैं और जो बाकी है एक्स कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स का पूरा डिफरेंशिएट, फिर से अगेन इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक्स कॉस एक्स में, क्योंकि इसे हम यू और वी अलग अलग सेपरेट फंक्शन क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डैश मेंशन कर लेते हैं, और कॉस एक्स क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस एक्स डैश कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इनके साथ पूरा लॉग एक्स है, प्लस लॉग एक्स का होल डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई एक्स कॉस एक्स, एक्स डैश वन होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स एक्स कैंसिल, सिर्फ बचेगा कॉस एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है इसमें, तो यू क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्रॉस में, और यू है कितना हमारे पास, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, तो यू को इधर भेजना मत भूलना, ये पूरा होल ब्रैकेट है हमारे पास, और यहाँ पे क्या होगा, यू का मल्टीप्लिकेशन होगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आएगा। इसके बाद लॉग वी का कर लेते हैं, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं टी मान लूँ तो लॉग टी हो गया, लॉग टी का क्या होगा, वन अपॉन टी, यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, और वो होगा कितना, मल्टीप्लाई टू एक्स होगा, क्योंकि वन क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, डिफरेंशिएट टू एक्स, माइनस का लॉग एक्स अगेन कितना होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस मल्टीप्लाई होगा टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगेन क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास, वी पूरा इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, देन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस वन है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, और v की भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो उसके बाद नोट करें, और इसके बाद जो भी है प्रैक्टिस के लिए आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स।
इसमें भी हमें लेट कंसिडर करने पड़ेगा, लेट एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स इज इक्वल्स टू यू, सो यू इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स, देन अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल्स टू लॉग एम की पावर क्या होगी, एन हो जाएगी, तो डायरेक्ट इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग एम मल्टीप्लाई एन, यानी लॉग एम एन की प्रॉपर्टी, वो क्या होती थी, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्स बाहर से मल्टीप्लीकेशन में होगा, लॉग एम यानी एक्स प्लस लॉग एन यानी कि लॉग कॉस एक्स आ जाएगा, इजिकल्स टू में क्या है हमारे पास, लॉग यू। अब क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स एक्स सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा और हर एक में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग यू का वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसा बनेगा कुछ, एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई कर दिया अंदर प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स, तो दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एक्स लॉग एक्स की बात, तो क्या होगा इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबसे पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन, तो सिर्फ बचेगा कितना, लॉग एक्स प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, लॉग एक्स का, वो क्या देगा, वन अपॉन एक्स, एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम वन लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे यानी इस पर प्रोडक्ट रूल लगाने पे हमें क्या मिल रहा है, लॉग एक्स प्लस वन मिल रहा है। इसके बाद प्लस का साइन बनाएंगे, एक्स लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स का क्या होगा, वन होगा, वो अनचेंज रहेगा, तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या, लॉग कॉस एक्स मिलेगा प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा कितना होगा देगा, लॉग एक्स वन अपॉन एक्स देता है, लॉग कॉस एक्स वन अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएट होगा माइनस साइन एक्स मिलेगा। इसके बाद अब वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग एक्स प्लस वन माइनस का नहीं माइनस नहीं प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, एक्स टेन एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में पूरा का पूरा क्या जाएगा, u जाएगा, और u की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो डी यू अपॉन डी यू एक्स की जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो ये तरीका क्या है डी यू अपॉन डी एक्स निकालने का, अब देखते हैं डी वी अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, इसे मिटा देते हैं, लेट v इज इक्वल्स टू कितना, x साइन x की होल पावर वन अपॉन एक्स है, दोनों में लॉग अप्लाई कर लेते हैं, लॉग v इज इक्वल्स टू देगा लॉग m की पावर n, तो वन अपॉन एक्स, इतनी बार प्रॉपर्टी यूज कर दी अब तो याद हो गई होगी, x साइन x, अगेन इसमें लॉग m n की प्रॉपर्टी लगेगी जैसे इसमें लगी थी, ये होगा वन अपॉन एक्स, ये होगा वन अपॉन एक्स, मल्टीप्लीकेशन में है लॉग एम एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन यानी कि लॉग कितना साइन एक्स, वन अपॉन एक्स मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सबके साथ, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग साइन एक्स, इसमें दोनों फंक्शंस में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा जैसे यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास लॉग वी इज इक्वल्स टू कितना, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग साइन एक्स। तो इसी से सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट रूल लगाना है, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इन दो में प्रोडक्ट रूल लगेगा, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स में, वन अपॉन एक्स का अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहने का मतलब है वन अपॉन एक्स में, तो ये है क्या, एक्स की पावर माइनस वन है, इसमें लगेगा तो वन माइनस वन आगे आएगा, एक्स की पावर माइनस वन यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना मिलता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद लॉग एक्स क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा प्लस वन अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का करेंगे कितना होगा, वन अपॉन एक्स कितना दे देगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अगेन इसमें वन अपॉन एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा प्लस वन अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा, वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा होगा कॉस एक्स,
तो हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन निकल के आ गई किसकी, डी वी अपॉन डी एक्स की। वी इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीट डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास निकल के आ जाए। बस ध्यान देना है किसका, साइन का, वैल्यू पुट करते समय। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला गया डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन। इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, लेट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लॉग अप्लाई कर देंगे तो लॉग एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। तो लेट क्या करेंगे, एक्स की पावर वाई इज इक्वल्स टू यू, जैसे करते हुए आ रहे हैं अभी, लॉग अप्लाइंग बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स की पावर वाई वाई आ गया जाएगा, वाई लॉग एक्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसके बाद वन अपॉन यू मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और लॉग एक्स क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, प्लस y इस बार एज इट इज रहेगा, और log x का डिफरेंशिएट होगा कितना होगा, 1 अपॉन x होगा। इसके बाद du यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यू की वैल्यू यहाँ भेज देंगे, कितनी है, x की पावर y dy वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इसे भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमें dy वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा जरूर। तो अभी इसे एज इट इज रहने देते हैं, हमने सिर्फ क्या निकाला, डी यू अपॉन डी एक्स निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं वी के लिए, लेट कर देते हैं, वाई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कितनी है, वी, देन लॉग वी इज इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन हो जाएगा तो लॉग वाई एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज रहेगा, log y का डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन y, यानी कि x अपॉन y, मल्टीप्लाई y का अगेन डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx। तो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, v उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, वो है कितना, y की पावर x मल्टीप्लाई log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx। अब हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको हमने u माना, इसको v माना, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, कैसी, u प्लस v इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करें, लेट किए हुए हैं। अब अगर मैं पूछूँ इसमें से dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, हमने क्या किया, du अपॉन डी एक्स निकाला प्लस dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करके हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, du अपॉन dx है हमारे पास, dy अपॉन dx है, वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स वाई लॉग एक्स, पीछे से है dy अपॉन dx, देन प्लस x की पावर y इधर जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और नीचे क्या x 1 है, पावर ऊपर जाएगी, यानी x ऊपर जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1। तो ये ऐसा बन जाएगा y x की पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस इसके साथ है, प्लस में एडिशन में हमारे पास क्या है, प्लस का साइन लगेगा, प्लस है y की पावर x log y की पावर x log y प्लस अगेन y की पावर x अंदर जाएगी, और यहाँ कितना है, अपॉन में y है, तो ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन में x है, और dy वाई अपॉन डी एक्स भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में पूरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स, इन दोनों इक्वेशन में से कॉमन लेंगे, और ये दोनों चीज़ें 0 के उस तरफ जाएगी, यानी इक्वल्स टू के उस तरफ जाएंगी, तो हमें dy बाई डी एक्स क्या निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन 12 करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।